सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील के मामले पर दिए अपने फैसले में मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी। साथ ही कहा कि देश के लिए लड़ाकू विमान जरूरी हैं और उसके बगैर काम नहीं चलेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में आई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। उधर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी नेता राफेल मामले में झूठ फैलाने को लेकर राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कहते हुए नजर आए। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने सियासी लाभ हासिल करने के लिए राफेल डील के मामले में उन्होंने देश को गुमराह करने की अपनी तरफ से कोशिश की है। इतना ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि को भी धूमिल करने का इन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी इस सदन से क्षमा मांगे और समस्त देशवासियों से क्षमा मांगे। जो झूठ का पूरा बिना बुनियाद का एक बना के पूरे देश भर में राहुल गांधी ने ढिंढोरा पिटाया राफेल का, वो पूरा उसका बलून बस्ट हो गया है, क्योंकि तीन मेंबर की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सबसे सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि इसमें कुछ भी नहीं है और कोई नुकसान देश के खजाने को नहीं हुआ है और खारिज कर दिया है। राफेल डील को लेकर किया था उसको तो पूर्ण रूप से निरस्त किया और हमारे सरकार की प्रामाणिकता और हमारे सरकार की जो ट्रांसपेरेंसी है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाया है। अब पूरे देश को राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी माफ़ी मांगना चाहिए पूरे देश से, जैसा हमारे अध्यक्ष जी और राजनाथ सिंह जी ने कहा, हाउस में भी जाकर माफ़ी मांगना चाहिए। तो उधर कांग्रेस के नेता राफेल डील पर जेपीसी की मांग को लेकर अड़े रहे और बीजेपी के सवालों का जवाब देते रहे। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जैसे भी टेलीकॉम्स के विषय पे, 2G टेलीकॉम स्कैम के विषय पे सुप्रीम कोर्ट ने तय किया और फिर भी बीजेपी जेपीसी मांगा, जो दूसरे एंगल से इसको स्टडी किया, हम भी जेपीसी पे बिल्कुल बरकरार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं हो हमारे पार्लियामेंट के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है, क्योंकि टैक्स पेयर्स पैसे जो खर्च कर रहे हैं ये तो पार्लियामेंट को जानना चाहिए कि कैसे हुआ क्या हुआ। तो जो हम चाहते हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो जाए, इससे ही सत्य को साबित कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी पहले ही कह चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों में दखलअंदाजी कैसे नहीं करेगा जब तक पूरी तरह से एविडेंस ना हो। एविडेंस तो जेपीसी द्वारा होगी। अब ये बता रहे बेचारे अमित शाह जी, इनको कैसे समझ आए इन बातों की। लेकिन राफेल विवाद को लेकर संसद में भी बहुत हंगामा हुआ और संसद का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। उधर राफेल मामले पर राहुल गांधी ने भी माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने सवालों पर बरकरार है, इसलिए जाहिर है कि राफेल का ये जिन इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। और हम देश को केस प्रेजेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सवाल सरकार को सवाल के जवाब देने हैं, एक भी जवाब नहीं आता है। डिफेंस मिनिस्टर सीतारमन पहले कहती हैं हाँ हम पार्लियामेंट में प्राइस रखेंगे, फिर कहती हैं प्राइस इज अ सीक्रेट। मैक्रोन जी आते हैं, मनमोहन सिंह जी, मैं आनंद शर्मा जी उनके साथ बैठते हैं, कहते हैं भैया प्राइस इज अ सीक्रेट, कहते हैं नहीं प्राइस इज नॉट अ सीक्रेट, हिंदुस्तान के टैक्स पेयर का पैसा है, प्राइस सीक्रेट कैसे हो सकता है। उसके बाद प्राइस निकलती है, डैसोल्ट की ब्रोशर में प्राइस साफ निकलती है, 1600 करोड़ रुपए पैसा डैसोल्ट को दिया गया। तो ये हमारे सवाल, वैसिलेशन होता जाता है, प्रधानमंत्री तो बोलते नहीं है, अरुण जेटली जी बोलते हैं, निर्मला सीतारमन जी बोलते हैं। हमने जेपीसी मांगी, कहा कि देखिए ज्यूरिसडिक्शन पार्लियामेंट का है, करा दीजिए, आइए सामने करा दीजिए ना। अरुण जेटली जी का ट्वीट आपने देखा, मैंने उनको ट्वीट किया कि चैलेंज किया कि भाई कर दीजिए ना, नहीं करेंगे। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।